बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बकरा के हवाले से वीडियो बना रही हूँ। आमतौर पे लोग जो हैं बकरा पे हड्डियाँ जो हैं फेंक देते हैं, इसको जो हड्डियाँ को किसी भी इस्तेमाल में नहीं लाते, पर मैं इन हड्डियों को इस्तेमाल करूँगी। मैंने क्या किया है कि ये जो बीफ जो है बड़ा गोश्त, उसको मैंने लिया, उसमें से गोटी वाला गोश्त अलहदा कर दिया है और जो हड्डी वाला गोश्त है वो अलहदा कर दिया है। थोड़ा सा गोश्त साथ रहने दें। अब जो है मेरे पास हड्डी वाला गोश्त है, एक ही साल का हड्डी है ये। मैं इसे आपको बहुत ही ज़बरदस्त बीफ पुलाव बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही मज़ेदार यखनी वाला पुलाव। यखनी में डालने के लिए मैंने 3 अदद प्याज लिए हैं, इसमें से कुछ मैं तड़के के लिए रखूंगी, कुछ यखनी में डालने के लिए रखूंगी। अदरक का पेस्ट है 1/2 चम्मच हम यखनी में डालेंगे, 1/2 जो है तड़के में। लहसुन है हमारे पास, टमाटर 2 अदद लिए हैं मैंने, हरी मिर्ची जो है ये 10 से 12 अदद हैं, और मसाला जार जो है ये सरपत जो मिर्चे हैं 1/2 चम्मच ली है, हल्दी 1/2 चम्मच, गरम मसाला मिक्स जो है 1/2 चम्मच, जीरा सफ़ेद वाला 1/2 चम्मच, और जो है नमक ये 1.5 चम्मच के करीब है। तेज़पात है हमारे पास छोटे वाले हैं 3 अदद, बादयान का फूल है 1 अदद, जावित्री है इसको मैंने हल्के से पीस लिया है, लौंग लेके हम 4 अदद। सबसे पहले हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे, हड्डी वाला जो हमने लैदा करके रखा हुआ था। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे, 1/2 प्याज हमने यखनी में डाल देने हैं। लहसुन जो है ये भी इसमें जाएगा, हरी मिर्ची जो है वो भी इसी में शामिल करेंगे हम। अदरक जो है ये भी आटा इसमें जाएगा, नमक जो है ये सारा इसमें शामिल करेंगे, तेजपात भी, बादयान का फूल और जायफल, ये जावित्री जो है, लौंग, मिर्ची और हल्दी ये सब इसी में शामिल करेंगे। चावल जो है वो मैंने ये वाला 1 मग दिया है, इस हिसाब से इसमें मैं 2 मग जो है पानी के डालूंगी, ये दूसरे वाला मग इसमें डालेंगे पानी का। 2 मग पानी इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि यखनी बनाने में ये जो है पानी खुश्क हो जाता है। वैसे तो मैंने 1 घंटे पहले जो है चावल भिगो के रखे हैं, उसके बाद हम जो है पानी, यखनी का पानी है इसको फिर से माप के इसमें डालेंगे। अब मैं इसे चूल्हे पे चढ़ा दूंगी, अगर आप चाहें तो कुकर में भी यखनी बना सकते हैं, अगर चाहें तो हंडिया में या किसी और देचकी में बना सकते हैं, मैं कुकर में बनाऊंगी। सबसे पहले हम इसमें घी शामिल करेंगे तड़के के लिए, इस साइड पे हमने यखनी रखी है और दूसरी साइड पे हमने तड़का बनाना है। प्याज शामिल करेंगे, प्याज
प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें गोश्त जो है वो शामिल करेंगे। गोश्त की हड्डियाँ जो मैंने अच्छे से अलहदा कर ली हैं, और छोटे छोटे जो हड्डियों के पीसेस होते हैं वो भी अंदर से बहुत अच्छे तरीके से निकाल लिए हैं। शामिल करेंगे, बाटर शामिल करेंगे, आप देख सकते हैं मैंने अंदर से सारी हड्डियाँ जो हैं निकाल दी हैं। छोटे छोटे जो पीसेस हैं ये देखें, इस तरह के लाजमी अंदर से निकाल लें। ये सारी हड्डियाँ हमने इसमें से अलहदा कर दी हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त चटनी बनी है इसकी। घी इसमें इतनी कम डाला है चखने की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा घी जो है आ जाता है। ये आप देख सकते हैं चखने के ऊपर कितनी ज़्यादा तरी सी आ गई है। ठीक है, थोड़ी सी हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसे अच्छे से भून लेंगे। ये वाला एक मग हमने चावलों का लिया था, अब हम इसमें यखनी का तकरीबन 1.5 मग जो है डालेंगे। नमक चेक कर लेंगे, अगर नमक कम है तो और डाल लेंगे। नमक सही परफेक्ट है। पानी में बबल्स आना शुरू हो गए। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे।
इसमें हम सफ़ेद जीरा और गरम मसाला जो है शामिल करेंगे। और इसको हम हल्के आंच पे दम पे लगा देंगे। जो है हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का तगड़ा है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और घर पे ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कैसा बना है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।